अरे थांबा थांबा थांबा, रॉक ने थप्पड़ खाने के बाद स्मैकडाउन ऑफ एयर क्या किया जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, एंड अभी दोस्तों आई एम प्रीटी मच श्योर आप सिर्फ सिर्फ रिफ्रेश कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल्स को, और गाइस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे रॉक ने कोडी के साथ क्या किया स्मैकडाउन के ऑफ एयर में, क्योंकि जो कुछ हुआ ना आज, मेरे हिसाब से रॉक जो है बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, और क्या उन्होंने ऑफ एयर किया वीडियो के एंड में दोस्तों आप लोगों को पता चलेगा। शुरुआत में दोस्तों मैं चाहता हूं आज वीडियो पर 50,000 लाइक आए, एंड गाइस ये आज का हमारा टारगेट है। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले आज के स्मैकडाउन के साथ। आज की जो स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी वो रॉक एंड रोमन की एंट्री के साथ ही हुई थी, दोनों दोस्तों एरिना में आते हैं, और इस बारी की दोस्तों जो स्मैकडाउन थी ना डैलस टेक्सस से थी, तो रॉक दोस्तों वहां काउबॉय हैट पहनकर आते हैं, वहीं रॉक की भी तगड़ी एंट्री होती है अलोंग विद पॉल हेमन। लेकिन गाइस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स को एंट्रेंस पर मिल जाता है झटका, निक कैल्डिस आकर बताते हैं कि चीजें वो कंट्रोल में रखने वाले हैं, और ऐसे में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर लगाने वाले हैं। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है नाइट की सबसे पहली एंट्री जो कि रहती है दोस्तों लोगन पॉल की। सच्ची बात बताऊं लोगन पॉल ने ना दोस्तों आज की स्मैकडाउन के अंदर जो एक प्रोमो काटा मैं शॉक रह गया, क्योंकि लोगन पॉल ने अनाउंस किया है कि उनकी ड्रिंक यानी कि जो प्राइम ड्रिंक रहेगी ना वो गाइस ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगी प्रीमियम लाइव इवेंट्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोस्तों, चाहे रेसलमेनिया हो चाहे समर स्लैम हो, आपको रिंग के बीच में दोस्तों प्राइम ड्रिंक्स का लोगो देखने को मिलेगा। ये दोस्तों उन्होंने जैसे ही कहा उन्हें तगड़ी वाली बू मिलती है। इस दौरान दोस्तों अपने दोस्त यानी कि KSI को भी रिंग के अंदर बुला देते हैं क्योंकि वो उनके पार्टनर भी है। दोनों दोस्तों वहां सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हिपिक्स प्रेडिटर रैंडी ऑर्टन का। वहां दोस्तों दोनों देखने लगते हैं रैंप की ओर, लेकिन रैंडी ऑर्टन आते हैं पीछे से लोगन पर दोस्तों आरकेओ की ट्राई मारते हैं, लोगन तो निकल जाते हैं, KSI को पता नहीं चलता है कि लेजेंड किलर पीछे खड़ा हुआ है, और गाइस आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर लिटरली दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया KSI को, जो कि गाइस एक तरीके की यूट्यूबर ही है। यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन के नाम की चैन लगती है, और फिर दोस्तों डब्ल्यू वाले बताते हैं कि अब होगा रैंडी एंड ओवंस का मैच, जो कि फेस करेंगे थ्योरियन वॉलर को। लास्ट वीक दोस्तों रैंडी ने इन दोनों की पिटाई की थी, तो ऐसे में दोस्तों ये मैच तो आज होना ही था। सच्ची बात बताऊं इस पर्टिकुलर मैच के अंदर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। यहाँ दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, एंड जैसे में कि जो हमारे केविन ओवंस है वो गाइस फाइनली टैग दे ही देते हैं ऑर्टन को, ऑर्टन अपना दमखम दिखाते हैं, और इवेंचुअली दोस्तों जो बॉलर है उन्हें लग जाता है ओवंस का आरकेओ, और उसके बाद थ्योरी की बारी आती है। थ्योरी को दोस्तों फिर से मोहरा बनाया गया इस वीक भी, लेकिन इस बारी जो आरकेओ था वो गाइस लास्ट वीक से भी तगड़ा था, जहाँ दोस्तों केविन ओवंस ने फप फप किया या फिर कह लीजिए ऊपर को फेंका जैसे पाव बम की पोजीशन में फेंकते, और रैंडी ऑर्टन ने लगाया आरकेओ जो कि काफी क्रेजी था 1-2-3। यहां आर्टन एंड केविन ओवंस जीत गए। हालांकि दोस्तों मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि काफी शॉकिंग था, वहां दोस्तों जो हमारे अपने लोगन पॉल पीछे से दोनों पर हमला करते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां जो हमारे अपने लोगन पॉल है वो अटैक कर रहे होते हैं दोस्तों इन दोनों के ऊपर, और इस दौरान दोस्तों ब्रास नकल का यूज करने वाले थे, और ये चीज दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने देख ली, छीन ली उनसे, और फिर दोस्तों मुक्के को जाते हैं, लेकिन वो मुक्का लग जाने वाला था ओवंस को, लेकिन रैंडी बीच में रुक गए, और उसके बाद उन्होंने ब्रास नकल अपने कह लीजिए दोस्तों कपड़ों में डाल दिया, और उसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि लोगन पॉल वहां से निकल जाते। तो तीनों के बीच दोस्तों जो कुछ भी ये हुआ है कहीं ना कहीं सूचक है कि ट्रिपल थ्रेट ही रेसलमेनिया में होने वाला है यूएस चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद इस ह्यूज सेगमेंट का जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बेली का इंटरव्यू। बेली के इंटरव्यू के अंदर दोस्तों बेली ने ये चीज कही है कि वो धोखा खाते आई है, उन डैमेज कंट्रोल का निर्माण किया था लेकिन उन्हें पता नहीं था उनके साथ ये सब हो जाएगा, डकोटा काय ने भी काफी गलत किया उनका विश्वास जीतकर, लेकिन इन सारी चीजों का बदला वो इयो स्काई से रेसलमेनिया में लेगी। इस दौरान दोस्तों नायोमी देख रही थी ये सब, नायोमी कहती बेचारी, जिस पर बियांका आ जाती, बियांका कहती क्या बेचारी, इसी ने डैमेज कंट्रोल को बनाया और आज इसी को धोखा मिल रहा है। तो ये किसी भी तरीके की बेचारी नहीं है नायोमी, तुम्हें नहीं पता तुम डब्ल्यू से बाहर थी, तो इस पर फोकस करना बंद करो, और वहां से फिर वो निकल जाती है। हाँ डब्ल्यू वाले दोस्तों दिखा रहे हैं कि कोडी एंड सैथ के रूम के बाहर बहुत सारे ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं, और सारे के साथ दोस्तों लंबे चौड़े मर्द है,
और सबके सब इसलिए खड़े हुए थे कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, और निक एल्डिस ने लगा रखा है इन्हें। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बॉबी लैशली वर्सेस कैरियन क्रॉस। ये मैच दोस्तों काफी टाइम से हम लोग देखना भी चाहते थे, और गाइज आज ये मैच हुआ भी, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से मैं देखना चाहता था। सच्ची बात बताऊँ इससे घटिया एंडिंग नहीं करा सकती WWE वाले इसकी, और कराई भी इन्होंने। तो मैच की बात करता हूँ, मैच के अंदर दोनों काफी तगड़े नजर आ रहे थे, स्कारलेट बीच बीच में गंद डाल रही थी, आप जानते हो माशूक है दोस्तों क्रॉस की। लेकिन गाइज लैशली जो थे वो ब्लीड भी कर गए थे, शोल्डर से खून दिख रहा था, और स्पीयर को वो जाते हैं, लेकिन AOP वाले आ जाते हैं और दोनों अटैक कर देते हैं। DQ में मैच खत्म हो जाता है। फिर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले आते हैं जो कि AOP को टेकआउट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गाइज वो उसमें असफल रहते हैं। AOP एंड लैशली ने मिलकर फोड़ा है, और फाइनल प्रेयर दोस्तों जो फिनिशर है क्रॉस का वो भी लगा है लैशली को। तो लैशली की आज गंदी पिटाई होगी, फिर से बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। बैकस्टेज दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो ड्रैगन लिए है और रेमिस्टेरियो की टी शर्ट पहन के उनसे बात कर रहे होते हैं। एस्कोबार आ जाते हैं, फोन कट कर देते हैं रॉयगली, और इस पर दोस्तों एस्कोबार कहते हैं यार ये बंदा भी नहीं मानेगा, क्या तू रेमिस्टेरियो जैसा बनना चाहता है? वेल तू उसके जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन तू उसके साथ खड़ा होकर भी काफी गलत है, और तू बिल्कुल छिछोरा इस समय ऑन स्क्रीन दिख रहा है। सभी मजाक उड़ाते हैं यहाँ दोस्तों, ड्रैगनली धक्के देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगनली 200 नंबर्स गेम होने के चलते 200 उल्टा धक्का खा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, सभी उन पे हंसने लग जाते हैं। टिफनी की एंट्री हो चुकी है, टिफी टाइम इट्स ऑन। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों टिफनी का मैच जो कि था दोस्तों हमारी अपनी मशीन के खिलाफ। मशीन को दोस्तों आज OC का मेंबर दिखाया गया है, और इसका मतलब है OC पूरी तरीके से नहीं टूटी है। हालांकि दोस्तों मिशी का जो मैच था इसके अंदर उनकी हार हुई, टिफनी की दोस्तों जीत हुई है। टिफनी दोस्तों प्रीटीएस्ट मूनसॉ एवर लगाकर इसके अंदर जीत गई है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों W वालों ने अपने नए हॉल ऑफ फेमर्स का नाम लिया, और पॉल हेमन एंड गाइस बुल के साथ साथ अब US एक्सप्रेस जो है वो भी इंडक्ट होने वाले। इसमें खास चीज क्या है कि एक बंदा दोस्तों जो माइक नाम का है, ये गाइस फादर है ब्रे वाइट का, तो ये चीज काफी खास हुई है, और आगे जाकर इसके बारे में और भी बताऊंगा मैं आपको। AJ स्टाइल्स दोस्तों अब प्रोमो काट रहे हैं। AJ स्टाइल्स कह रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं कि मैंने इतनी दूर जाकर एलिमिनेशन चेंबर में LA नाइट पर अटैक क्यों किया, लेकिन इसका सिर्फ सिर्फ एक रीजन है, वो बंदा मेरी स्पॉट छीनने की कोशिश कर रहा था, और खुद को दी गाय बताता है, अपने को ऐसा बताता है कि बहुत बड़ा सुपरस्टार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो डिजर्व नहीं करता है उस लॉकर रूम में जिस लॉकर रूम में मैं हूँ, इसीलिए मैंने उस पर अटैक किया। ये सब दोस्तों LA नाइट देख रहे थे, LA नाइट को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने वहाँ जिस टेलीविजन पर वो ये सब देख रहे थे उसे ही चेयर के सहारे फोड़ दिया है। तो गाइज LA नाइट भी गुस्सा है, AJ भी दोस्तों पीछे नहीं मानने वाले। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब टैग टाइटल स्प्लिट वाला सीन, गेम खेल रहे थे दोस्तों हमारे अपने टाइलर बेट, और इस पर वहाँ आ जाते हैं पीट डन, और ये चीज़ देख के कि वहाँ पीट डन आ गए, टाइलर बेट निक एल्डिस से बात करने चले जाते हैं और पीट डन गेम खेलने लगते हैं। यहाँ दोस्तों फिर से टाइटल स्प्लिट टीज हुआ है, क्योंकि बात उसी टॉपिक पर छिड़ने वाली है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ड्रैगनली का मैच, ड्रैगनली का दोस्तों मैच बिगन हो चुका है, और गाइस ये मैच था एंजल गार्जा के खिलाफ। मैच के अंदर दोस्तों ड्रैगनली काफ़ी अच्छा कर रहे थे, और गाइस एंड तक उन्होंने अच्छा किया, और गाइस एक तरीके का क्रेडल लगाकर उन्होंने पिनफॉल ले लिया दोस्तों गार्जा का, लेकिन उसका LW ने उनके ऊपर तगड़ा अटैक किया। इस अटैक में दोस्तों उनकी मदद नहीं की है गाइस हमारे रेमिस्टीरियो ने, क्योंकि आज वो बिल्डिंग में नहीं थे। इवन एस्कोबार ने भी ये चीज़ कही कि आज ये पिट रहा है तेरी वजह से। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों डकोटा काई का रिस्पॉन्स, डकोटा काई ये चीज़ कहती है देख बेली तूने हमें बनाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तुझे भी कभी अपना पार्ट नहीं मानते थे, अपनी टीम का पार्ट नहीं मानते थे। और यहाँ दोस्तों अलग जो आस्का है वो ये चीज़ कहती है कि हम उसके टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि डकोटा काई उन्हें नेक्स्ट वीक के लिए चैलेंज करती है। तो यहाँ दोस्तों W वालों ने कन्फर्म भी कर दिया बेली वर्सेस डकोटा काई नेक्स्ट वीक होगा। इसके अलावा दोस्तों रे मिस्टीरियो का भी रिटर्न हम लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। बात की जाए दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, वहाँ दोस्तों जो गार्ड्स खड़े हुए थे ना वो खड़े हुए थे, निक एल्डिस आते हैं कमरा खोलते हैं बोलते शैतान कोड़ी का है, जिस पर गार्ड कहता है मुझे नहीं पता। अब दोस्तों ये चीज़ साफ हो चुकी है, दोनों रूम से निकल चुके हैं, लेकिन अब जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये कि एंट्रांस ले रहे हैं द ट्राइबल चीफ द अनडिस्प्यूटेड किंग रोमन रेंस। रोमन रेंस की एंट्री हुई, और रोमन रेंस को एंट्रेंस पर दोस्तों काफ़ी अच्छा पॉप भी मिला,
ट्राइबल चीफ आते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो अगली एंट्री होती है वो काफ़ी क्रेजी थी। आज रॉक को दोस्तों स्पेशल एंट्री दी गई। बहुत सारे दोस्तों हम लोगों को साइंस देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और एक इलेक्ट्रिसिटी बम करके बीच में गिरती है। रॉक खड़े थे जैसे कि दोस्तों ब्लैक एडम। रॉक की तगड़े वाली एंट्री, हर कोई चिल्लाता है रॉक की। यहाँ दोस्तों रॉक कुछ कह पाते इससे पहले दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि वहाँ रोमन रेंस कहते हैं रॉक से कि हम फैमिली है, जिस पर वो हाथ बढ़ाते हैं आगे। और गाइज यहाँ दोस्तों रॉक उनसे गले लगते हैं, और फिर दोस्तों रॉक माफ कीजिएगा रोमन जो है वो ये चीज़ कहते हैं डैलस टेक्सस अकनॉलेज अस। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने कही, क्योंकि वो मी कहते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो थोड़े स्वार्थी हो रहे हैं। हम लोगों को देखने को मिलती है एंट्री हमारे कोडी एंड सेथ रॉलिंस की। तो इन्होंने देरी नहीं लगाई दोस्तों अपनी एंट्रांस पर, ये आते हैं। और गाइस सच्ची बात बताऊँ, इन दोनों की एंट्री काफ़ी कूल थी, ऑडियंस में से चल के आया, जो कि कहीं ना कहीं शील्ड का रेफरेंस मुझे लगा है। लेकिन यहाँ दोस्तों बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों चीज़ देखने को मिलती है कि सोलो एंड हेमन बाहर निकल चुके हैं रिंग के अंदर, ये चारों है, और बाकी गार्ड्स ने घेर रखा है, निकेल्डिस भी खड़े हैं वहाँ। अब गाइज यहाँ जो चीज़ें हैं वो टेंस होनी स्टार्ट होती है, और कोडी सबसे पहले यही चीज़ कहते हैं। कोडी ये चीज़ कहते हैं कि वेल ये सिचुएशन टेंस है, लेकिन मैं लकी फील कर रहा हूँ इस रिंग में होते हुए, और आप लोगों को फील करना चाहिए क्योंकि हम है डैलस टेक्सस में, जिस पे कोडी नाम की चैन लगती है। और यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि देखो आपने मैच बनाया है, रॉक से कहते हैं आपने मैच बनाया है रॉक, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अथॉरिटी क्या है, आपसे बस यही सवाल है, आपको अथॉरिटी क्या है? आपने मैच तो बना दिया लेकिन शायद से आप भूल चुके हैं आपने रोमन को अग्नॉलेज किया था। यहाँ दोस्तों आग लगाने की चीज़ें उन्होंने की है, बेसिकली कोडी ने की है। इस पर दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस आगे फिर वो कहते हैं आपने मैच बनाया और स्टिपुलेशन रखी है कि अगर ऐसा होता है वैसा होता है। रॉक कहते हैं शट अप, आगे दोस्तों गाली देते हैं, और फिर कहते हैं और तू भी इमोजी क्लोन, तू भी चुप ही रही हो कुछ भी कहने से पहले। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसे एक्नॉलेज किया है, मैंने मैच बनाया है, क्योंकि वी आर फैमिली, मुझे इससे पूछने की जरूरत नहीं है, वी आर फैमिली। और इसके बाद दोस्तों चैन लगती है डायरिया रॉक की, और उसके बाद दोस्तों शायद हंसने लग जाते हैं। हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि रॉक कहते हैं कि देख बात इतनी सी है, अगर तुम जीते नाइट टू पर कोडी तू अपनी स्टोरी फिनिश करने के लिए फ्री रहेगा, तू स्टोरी फिनिश कर पाएगा, आसानी से फिनिश कर पाएगा, लेकिन अगर हम जीत गए तो मैं मेक श्योर करता हूं कि नाइट टू पर तू ना जीते, वहां ब्लड लाइन रूल्स होगा, और साथ ही साथ वो चीजें होगी जो कि तू सोच नहीं सकता। यहां दोस्तों अब रोमन रेंस माइक लेते हैं, और रोमन रेंस ने दोस्तों माइक पर एक और स्टिपुलेशन जड़ दी। रोमन रेंस कहते हैं कि मैच हो रहा है, लेकिन कोडी एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर तू इस बारी हारा तो तू फिर मुझे चैलेंज नहीं कर पाएगा। अब गाइज हमें ये चीज देखने को मिलती है कि रॉक कहते हैं कि यस दैट्स राइट, क्योंकि मैं हूं तुम सब लोगों का बॉस, मैं टीकेओ ग्रुप में मेंबर हूं, और इसका मतलब यह है कि मैं तुम पर सब पर राज करता हूं, और मैं चीजें बना सकता हूं, बिगाड़ सकता हूं, एंड आई कैन कंफर्म कोडी कि अगर यहां तू हार जाता है तो तू फिर कभी भी इस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों उन्होंने काफी चीप बातें कही, और इसके चलते उन्हें थप्पड़ लग गया। यहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, रॉक आगे कहते हैं, रॉक कहते हैं कि कोडी जितना मुझे पता है कि तुम तीन भाई बहन हो। कोडी कहते हैं यस, और तेरा एक बड़ा भाई है फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर, बेसिकली गोल्डस्ट की बात कर रहे थे, और एक तेरी बहन भी है बीच वाली जो कि चीयर लीडर थी डैलस टेक्सस में। कोडी कहते हैं यस, और तुम दोनों के बीच में लगभग 20 साल का अंतर है। कोडी कहते हैं यस, शायद से तो एक मिस्टेक था, यानी कि फटे निरोध का नतीजा। कोडी को आया गुस्सा, दे थप्पड़ वहां दोस्तों, रॉ कैसे करते हैं, और गाइज स्मैकडाउन चली जाती ऑफ एयर। अब द क्वेश्चन जो कि राइज हो रहा है वो स्मैकडाउन की बात क्या हुआ, तो फुटेज आपके सामने रख रहा हूं। रॉक जाते हुए नजर आ रहे हैं, और गाइज रॉक जा रहे हैं, और रॉक निकल गए वहां दोस्तों। रॉक रोमन ने कुछ भी कांड नहीं किया है, प्लस दोस्तों सेथ रॉलिंस की फोटो रख रहा हूं, मुस्कुरा रहे हैं, तो सेथ को भी इस बात पर हंसी आई कि रॉक रोमन ने कुछ नहीं किया। रॉक ने टैग टीम मैच बनाया है, और सेथ रॉलिंस ने एक्सेप्ट किया आज स्मैकडाउन में, तो दोनों के ही दोस्तों यानी कि रॉक एंड कोडी के जो दोस्त लोग हैं ये मैच बनाए हैं और एक्सेप्ट किए हैं, तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली आगे। अब देखते हैं होता क्या है कंपनी में। वीडियो आज कितनी थी, रॉक रोमन या फिर कोडी सेथ, आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए नहीं, अरे शपक है।